हेलो फ्रेंड्स, मैं सर शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैक स्ट्रेचर के बारे में कि कैसे बैक स्ट्रेचर आपको पेन रिड्यूस करने में हेल्प करता है और आपकी स्पाइन का पॉस्चर को रीअलाइन करने में मदद करता है। किस तरीके से बैक स्ट्रेचर की मदद से हमारी स्पाइन के अंदर ट्रैक्शन आता है और पेन रिड्यूस होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही हमारा कोई एक लकी चैनल मेंबर ये बैक स्ट्रेचर जीत सकता है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, बैक स्ट्रेचर एक तरीके का इक्विपमेंट है जिसकी सहायता से हम हमारी स्पाइन को एक नेचुरल ट्रैक्शन दे सकते हैं। बैक स्ट्रेचर की मदद से इसके यूनिक डिज़ाइन और यूनिक आर्क शेप का जब ये होता है उसके कर्व की वजह से आपकी स्पाइन को अलाइन करने में आपको मदद मिलती है। साथ ही जब आप इस बैक स्ट्रेचर का इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से आपकी स्पाइन के अंदर ट्रैक्शन जनरेट होता है जिससे जो आपकी बैक की मसल्स हैं वो रिलैक्स होती हैं और आपका बैक पेन है वो रिड्यूस हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अगेरो ब्रांड के बैक स्ट्रेचर के बारे में। कंपनी क्लेम करती है कि इस बैक स्ट्रेचर की जो बॉडी है वो नॉन टॉक्सिक प्लास्टिक की बनी हुई है। साथ ही इसके अंदर एक स्मूथ सिलिकॉन पैड दिया हुआ है जिसकी वजह से आप लॉन्गर ड्यूरेशन तक इसके ऊपर लेट सकते हैं। साथ ही इसके अंदर 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रेच आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि इसका एक ऐसा यूनिक डिज़ाइन है जिसकी वजह से आप लेवल ऑफ स्ट्रेच को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आपको लेवल 1 से स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद मॉडरेट लेवल और उसके बाद सीवियर लेवल तक आप स्ट्रेच कर सकते हैं अपनी स्पाइन को। साथ ही इसके अंदर 94 मैग्नेटिक पॉइंट्स दे रखे हैं जिसकी वजह से जब आप इसके ऊपर लेटते हैं तो ये 94 मैग्नेटिक पॉइंट्स आपके बैक को रिलैक्स करने के लिए एक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का भी काम करते हैं और आपके बैक को एक तरीके का मसाज भी देते हैं। दोस्तों, बैक स्ट्रेचर का इस्तेमाल करने से आपकी जो बैक की मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, क्योंकि जब आप इसके ऊपर लेटते हैं तो ये आपकी स्पाइन को एलोंगेट करती है, स्ट्रेच करती है और आपकी स्पाइन में ट्रैक्शन जनरेट होता है जिसकी मदद से जो आपके बैक मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि इस स्ट्रेचर का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। साथ ही अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने बाय लिंक दे रखा है, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, जब आप इस बैक स्ट्रेचर को परचेस करते हैं तो इस तरीके से आपको 2 सेक्शन देखने को मिलते हैं। कंपनी क्लेम करती है कि ये नॉन टॉक्सिक प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है और ये है हमारा बैक स्ट्रेचर। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर आपको 3 लेवल देखने को मिलते हैं। इस 3 लेवल के अंदर आप अपने आर्क को, जो ये बैक स्ट्रेचर का आर्क है, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये लेवल 1, ये लेवल 2 और ये लेवल 3। लेवल 1 में आपको कम आर्क देखने को मिलेगा, कम ट्रैक्शन और कम आपको बैक स्ट्रेचिंग देखने को मिलेगी। लेवल 2 में मॉडरेट और लेवल 3 में एकदम सीवियर तरीके की स्ट्रेचिंग आपको देखने को मिलेगी। तो अब बात करते हैं कि इसको आपको असेंबल कैसे करना है। तो इसके एक पार्ट को आपको इस तरीके से कनेक्ट करना है और जिस भी तरीके का आपको स्ट्रेचिंग चाहिए, जिस लेवल की स्ट्रेचिंग चाहिए, वहाँ पर आपको इसके सेकेंड एंड को कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा कि मैंने लेवल 1 में किया है तो इसका आर्च थोड़ा रिड्यूस है। अब मैं इसको लेवल 2 के अंदर कनेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने लेवल 2 में कनेक्ट किया, आप देखिए इसका स्ट्रेच लेवल जो है, आर्क जो है, वो बढ़ गया। तो इस तरीके से ये आपका बैक स्ट्रेचर रेडी हो गया है। अब आप इसके ऊपर लेट सकते हैं। तो इसको लेटने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से अपने दोनों हाथ ज़मीन पर रखने हैं पहले और बैक स्ट्रेचर को अपनी बॉडी से पीछे टच करना है और इसके बाद धीरे धीरे अपने हाथों के सहारे से इसके ऊपर लेटना है। तो आप देख पा रहे हैं मेरी स्पाइन में एक ट्रैक्शन जनरेट हो रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे तो 94 आपको मैग्नेटिक पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ इसमें देखने को मिलता है। जब आप अपनी बैक को स्ट्रेच करते हैं इस बैक स्ट्रेचर के सहारे से तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ आपको फील होता है। और जब आप जितनी भी देर कम्फर्ट में इसे लेट सकते हैं आपको लेटना है, उसके बाद धीरे धीरे इसी पोजिशन में आपको उठना है। दोस्तों, यहाँ पर एक सिलिकॉन का पैड लगा हुआ है जिसकी मदद से आपको ये कंफर्ट प्रोवाइड करता है कि आप इसके ऊपर ज़्यादा देर लेट सकते हैं। इसी तरीके से आपको
इसका लेवल वन पे चले जाना है और उसमें ज़्यादा आर्च आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद आप इसके ऊपर लेट सकते हैं। दोस्तों आप इसको एक दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको अपनी चेयर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ एक स्ट्रैप आता है जिससे आप इसको अपनी चेयर पर प्लेस कर सकते हैं। आप ऑफिस में या आपकी शॉप पे या आपके जहाँ पर भी आप बैठते हैं वहाँ पर अगर आपको अपने पोस्चर को, स्पाइन के पोस्चर को मेंटेन करना है, आपकी स्पाइन को स्टेबलाइज करना है, तो जस्ट आपको क्या करना है, आपको इस बैक स्ट्रेचर को अपनी चेयर के साथ, इस बेल्ट के साथ कनेक्ट कर देना है। तो जैसे कि जैसे मेरे को यहाँ बैठना है, ये मेरी चेयर, आप एक ज़ूम कर लीजिए कि जहाँ पर मेरे को बैठना है, तो वहाँ पर इस तरीके से मैं इस आर्च को प्लेस कर दूंगा और अब आप इसके ऊपर टेका लेके बैठ सकते हैं, जिससे आपकी जो स्पाइन है उसका कर्व मेंटेन रहेगा। तो इस तरीके से आप जब चेयर पे बैठते हैं, अभी मैं नीचे बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पर आप इस तरीके से अपनी स्पाइन का कर्व मेंटेन कर सकते हैं कुर्सी पर बैठे हुए भी। तो दोस्तों एक ये एक इम्पॉर्टेंट आप बैक स्ट्रेचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक स्ट्रेचिंग के अंदर तो कर ही रहे हैं हम, पर आप जब कुर्सी पर बैठते हैं तो आप इस बैक स्ट्रेचर की मदद से अपने स्पाइन को स्टेबलाइज कर सकते हैं और अपना पोस्चर मेंटेन कर सकते हैं कुर्सी पर बैठे हुए भी। तो दोस्तों ये था बैक स्ट्रेचर। कोई एक हमारा लकी चैनल मेंबर इस बैक स्ट्रेचर को जीत सकता है। आपको अपनी वैल्यूबल फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में देनी है कि आप इस बैक स्ट्रेचिंग के बारे में क्या सोचते हैं, ये कितना वैल्यूएबल है, कितना इंपॉर्टेंट है बैक पेन को रिड्यूस करने में, स्पाइन को ट्रैक्शन देने में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप ये बैक स्ट्रेचर खरीदना चाहते हैं तो उसकी एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।